नसरी। इनाबा जी आप आ गई, बहुत अच्छा किया आपने। क्या लेंगी आप, चाय, जूस, कॉफी, क्या? कुछ भी नहीं, बस अभी ये बैग कमरे तक पहुंचा दो प्लीज। जी अच्छा। रुको, जो तुम्हें घर तक छोड़कर गया है वो ये बैग तुम्हारे कमरे तक भी छोड़ सकता था। क्या मतलब? अजलान के साथ आई हो ना? हाँ, क्योंकि वो निहाल। तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं आती हरकतें करते हुए? अगर मेरा बेटा तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार नहीं होता ना, तो मैं तुम्हारी ये हरकतें देखकर इस रिश्ते से ही इनकार कर देती। क्या कह रही है, कैसी हरकतें? शौहर के होते हुए अपने महबूब के साथ घूमने वाली हरकतें। आप जानती भी अम्मी जी क्या मुझ पे कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है? इल्जाम? वो तुम्हें घर तक छोड़कर गया है, मैंने देखा है उसे, और तुम कह रही हो इल्जाम? अम्मी जी इसका कहां से ये मतलब हो कि मैं सुबह घूम फिर कर आ रही हूँ? बात सुनो मेरी, अगर निहार तुम्हें लेने नहीं आया था तो तुम्हें क्या जरूरत थी आने की? किससे पूछ के आई हो? इसका क्या मतलब कि किससे पूछ कर आई हो, क्यों आई हूँ? ये मेरा घर नहीं है क्या? इस घर में ना तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान है, समझी तुम? अगर आप रमशा को लेकर ये बात कह रही है तो उसे किसी भी हादसे को लेकर मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है? तुम्हारी वजह से तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। अगर तुम निहाल और रमशा के दरमियान ना आती तो वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे, सब सब ठीक हो जाता। बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन होने को कौन डाल सकता है? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है बीना, लेकिन मैं कुछ अब बोलूंगी नहीं, क्योंकि अब जो भी बोलेगा ना वो निहाल बोलेगा।